दौरे चौक पे ये गजब पहले से बना हुआ है नया चेंज भी कर सकते हैं गलत कौन सी चलिए बताए यस सर इसमें इस क्या बोलते टैंक एक तरह से ये टैंक है इसमें फ्यूल रखा रहेगा इससे जो गैस उत्पन्न होगा वो जाके इस पर पिस्टन में जाएगा पिस्टन से ये पिस्टन अप डाउन होगा अप डाउन होने से ये सोफिया रोबोट बताइए कैसे काम करता है ये पास्कल लॉ को फॉलो करता है इससे हम लोग करता कौन सा प्रिंसिपल है पास्कल लॉ ना बताइए आगे खाना रिंग तो नहीं है टॉय मॉडल है और यहां पर जैसे लगाते हैं अभी भैया भाई ने लगा अभी हमको एसएमएस मिस कॉल अलर्ट देगा मिस कॉल अलर्ट आ गया गाइस हमारे कॉलेज में आज साइंस एग्जीबिशन है यानी कि प्रोजेक्ट सब कोई तैयार किए जूनियर और सीनियर तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं सारा प्रोजेक्ट और कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे चलिए बस बटन पे वीडियो पे नाम अर्थ मंडल तो हमारा ऋषि शर्मा सर माय नेम इज अमित पानसारी माय प्रोजेक्ट नेम कोरिडोर ओह गुड बढ़िया सर लाइट पर माय नेम इज तो बताओ मतलब प्रोजेक्ट का क्या क्या नाम है प्रोजेक्ट का नाम क्या नाम है प्रोजेक्ट का जिसका बताओ एडवांटेज और डिस बताओ इसका ये ले ले रहा है सबसे पहले यहाँ पे आग लगाना है यस सर इसमें इस क्या बोलते टैंक एक तरह से ये टैंक है इसमें फ्यूल रखा रहेगा इससे जो गैस उत्पन्न होगा वो जाके इस पर पिस्टन में जाएगा पिस्टन से ये पिस्टन अप डाउन होगा अप डाउन होने से क्रैंकशाफ्ट रोटेट करेगा कहाँ है ये हमारा क्रैंकशाफ्ट है इससे रोटेट करेगा तो हमारा ऊर्जा स्टार्ट होगा नाम इरफान ना तुम पहले हमको बताओ इसका सेक्शन में क्या होता है सेक्शन में सर मेरा सेक्शन में एयर इंटेक है उसमें तुम्हारा भाल होता है ना तो मतलब इंटेक भाल और एक होता है एक्सल भाल तो दोनों में से मतलब कौन ओपन रहता है कौन क्लोज रहता है किस टाइम हाँ और तुम्हारा इसमें जो ये होता है ना पूरा आग लगता है आग के कारण हमको पावर जनरेटर मिलता है जिसके कारण मेरा इंजन चलता है और लास्ट बच के मेरा इंजन जो मेरा जो ऑयल ये जलता है सर उससे धुआं निकलता है बीडीसी का ये सोफिया रोबोट देख चलिए बताओ नौसिन तुम्हारा भाई सोलर में क्या है सोलर इलेक्ट्रिक सोलर नाम पहले बताओ चलिए आज इन लोगों को पूछते हैं इन लोगों का क्या प्रोजेक्ट का नाम क्या है क्या नाम है प्रोजेक्ट का क्या है बताइए कैसे काम करता है ये करता कौन सा प्रिंसिपल पे पास कर लो ना बताइए आगे काम हो रहा है इसका हम लोग यूट्यूब कहाँ करते हैं बताइए
बताइए बताइए ठीक है आपका नाम आप भी इसमें है ना नाम चलिए चलिए बताइए इसके बारे में कुछ डोर इज ओपन ये गजब पहले से बना हुआ है इसमें नया कुछ चेंज भी कर सकते हैं अब इसमें गलत पासवर्ड गेट बंद रॉन्ग लग गया रॉन्ग बना दे फायर वाला फायर वाले से घर पे आग लग जाता तो हमें पता नहीं चल पाता है जल्दी तो चेक से तुरंत ही गेट को डिटेक्ट करके आपके सिग्नल लेके खाने घर पे आग लग गजब तो चलिए बढ़िया बात है बढ़िया प्रोजेक्ट आपका ठीक है नाम बताओ से नाम बताओ मेरा क्या नाम क्या नाम आसिद अंसारी आसिद आसिद अंसारी बताओ क्या मतलब क्या नाम क्या है प्रोजेक्ट का कौन जी चलिए बताइए कुछ के बारे में बताइए कुछ जैसे रात होगा ना सर अपने आप यहाँ पे लाइट जलने लगेगा बैटरी पावर का जो है ना सर ऑटोमेटिक ना ये रात होगा ऑटोमेटिक लाइट जलने लगेगा अंधेरा इसलिए कर रहे हैं कि रात का लेजर का क्या प्रोसेस है लेजर का प्रोसेस ये ना सर कभी माफी चाहती है बैटरी खत्म होगी उसको दिखा नहीं सकते 10 मिनट में बैटरी आएगा वो आपको दिखा सकते हैं अभी तो मतलब ये अभी तो यहाँ पे जो फंक्शन है ना लेजर सिस्टम काम नहीं कर रहा है इसके वजह से अभी सायरन बंद है और लेजर जैसे चालू होगा तो सायरन बंद सायरन बंद सायरन बंद कोई अगर यहाँ से सायरन बंद मेरा नाम बता भले मेरा नाम प्रभात है सेम कौन सा फर्स्ट सेमेस्टर तुम्हारा तुम्हारा क्या नाम है क्या नाम है क्या फायर फाइटिंग रोबोट एंड गैस लीक एंड होम सेफ्टी सिस्टम चलिए बताइए कुछ बताइए इस बारे में नहीं सर जैसे कि ये आप घर में प्रेजेंट नहीं है जंगल वगैरह कहीं भी स्कूल हो कहीं पर आप अगर प्रेजेंट नहीं है तो ये वहाँ जाकर आपके जगह वो आग वाग हो या धुआं हो बिजली हो जाके सेंस करके उसको बुझा देगा जैसे कि अभी यहाँ पर सेंसर लगा है इसमें ज़्यादा रेंज तो नहीं है टॉय मॉडल है हम यहाँ पर जैसे लगाते हैं अभी भैया भाई ने लगा तभी हमको SMS मिस कॉल अलर्ट देगा इसी का हुआ था इसी का नाम मेरा नाम सूर्य कुमार यादव है मैं मैकेनिकल ब्रांच से हूँ सेम थर्ड सेम ना मेरा नाम अरुण कुमार मातो है मैं मैकेनिकल ब्रांच का हूँ मेरा ब्रांच थर्ड आपका मेरा नाम आदर्श कुमार है और मैकेनिकल ब्रांच का हूँ मेरा भी सेमेस्टर थर्ड मेरा नाम आदित्य दत्ता है मेरा ब्रांच मैकेनिकल है और मैं थर्ड सेमेस्टर मतलब 4 मिनट का बनाइए हाइड्रोलिक ब्रेक ना 10 ना हाँ बता कुछ इस बार बता कुछ जैसे सर हम कार या फिर किसी व्हीकल में सर जैसे कार चलाते तो उसको रोकने के लिए ब्रेक का यूज तो होता ही है ब्रेक का जैसे यूज होता है सर किसी व्हीकल को मतलब उसको व्हील्स को रोकने के लिए
काम, जैसे उस जो ब्रेक को लगाते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो वेस्ट चल जाता है, जो हमारा एनर्जी जो होता है वेस्ट चल जाता है, हम उस एनर्जी को अपने थ्रू जैसे कहीं पे स्टोर करके रखते हैं तो वो हमारे लिए कुछ फायदेमंद होता है। जैसे हम किसी व्हीकल को यहाँ पे इसके थ्रू ब्रेक लगा रहे हैं, मतलब जैसे किसी व्हीकल के व्हील में जब वो रोटेट होता है तब उसमें हम जैसे ब्रेक लगाते हैं तो उसके थ्रू हमारा ये मशीन जो है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अब उस इलेक्ट्रिसिटी को हम अपने बैटरी या फिर किसी काम कर रहा ब्रेक लगा रहे तो इलेक्ट्रिसिटी। चलो गुड, बढ़िया है, ठीक है। ब्रांच सेम सब ब्रांच मेरा नाम विकास कुमार है, ऑटोमोबाइल ब्रांच से निकल कार्ड। मेरा नाम शिवम राज है, ऑटोमोबाइल ब्रांच। मेरा नाम शंकर मंडल है, ऑटोमोबाइल ब्रांच का हूँ। और तुम्हारा क्या नाम है प्रोजेक्ट का नाम? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम ना, ये काम वर्क कर रहा है ना? यस यस, दिखा करके सर। दिस इज अ ब्रेक एंड दिस इज एक्सीलेटर। सर हम लोग यहाँ पे एक्सीलेटर गाड़ी ऑन करते हैं, फ्लाईव्हील चलने लगता है और इसी प्रकार ये फ्लाईव्हील चल रहा है अभी। यहाँ पे सर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक लगा हुआ है जो सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जिससे प्रेशर से जैसे हम लोग ब्रेक करते हैं और व्हील रुक जाता है। का बैटरी यूज़ कर रहे हैं जिसको हम लोग 12 वोल्ट का मोटर से चला रहे हैं। 12 वोल्ट का मोटर सर इसलिए कम दिया क्योंकि स्पीड कम है। मेरा ब्रांच और मेरा सिस्टम 2001 से 2002। मेरा नाम मोहन अंसारी है, बताए किस बारे में बताइए, एक्सप्लेन बताइए। अगर हम लोग एक इलेक्ट्रिसिटी एक माइनिंग में अगर हम लोग पास करें तो फिर उसमें जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा और उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्पार्क प्लग के द्वारा पास होगा उसमें से एक बहुत बड़ा एक मैग्नेटिक फील्ड अप्रोच करेगा, ठीक है, प्रोड्यूस करेगा और फिर वही जब कंटिन्यूसली जब उसको स्पार्क करते रहेगा और पास होते रहेगा तो उसी में मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों। सीनियर मैम सब इन लोग का प्रोजेक्ट दिखाएंगे, कहाँ है आप लोग का प्रोजेक्ट? शरीफिया छूट गया था एक, इसमें एक गाइस छूट गया था। देखिए नाम बता पहले। प्रोजेक्ट का नाम है हमारा फ्री इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो गाइस आप लोग को सारा चीज से इंट्रोडक्शन करवा दिए।